एक बहुत अच्छा नाम है इस मुल्क में, अब्दुल कलाम साहब, राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब। तो फिल्मी दुनिया की हीरोइन भी गजब गाती है, ऊट पठान गीत गाती है। एक हीरोइन हीरो के सामने आई, वो बड़े प्यार से गीत गाई, लड़की कमाल की आंखियों से गोली मारे, ये गाना आप सबने सुने हो, लड़की कमाल की आंखियों से गोली मारे। अब आप सब बताएं, देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब इस गीत को पहले ही सुन पाते तो वो अग्नि मिसाइल ही क्यों बनाते। हम पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब इस गीत को पहले ही सुन पाते तो अग्नि मिसाइल ही क्यों बनाते। अरे वो गया तहजीब का जमाना भाई, हम जब मम्मी डैडी के साथ फिल्म देखने जाते थे जमीर साहब, उस टाइम हमारा जमीर जिंदा था। नहीं उनका तो है ही, नहीं हमारा मर गया ना यार, उस टाइम हमारा भी जिंदा था। तो थिएटर में पहले ही मान लेके जाते थे, वो जब ऐसे सीन आते थे लता जी का गाना तो आंसू बहते थे, तो पूछते थे, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, और जो शहीद हुए हैं जरा याद करो। तो मोहम्मद रफी साहब के गाने आते थे, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। मैसेज मिलता था चाऊ साहब, कुछ सीखने को मिलता था। हाँ नहीं चाऊ साहब बोलो तो मैं रात भर यही बोल सकता हूँ, अगर आपको इसी में मजा आ रहा है तो अपने को कुछ करने की जरूरत है, जितनी मोहब्बत करते हैं चाऊ साहब। हाँ अच्छा वो भी वाक्य बोल रहे, ठीक अगला मुशायरे बुलाओगे? हाँ सब अभी सुन लोगे, कभी तो सुना दिया सब। नहीं अपने पास 3-4 घंटे का मौका है, आप जब बुलाओगे अपन नई दुकान खोलेंगे। मगर देखो इतने अच्छे गाने देखते थे, अब फिल्में क्यों लिखी जाती हैं, गाने क्यों लिखे जाते हैं, वो गाता क्यों है हीरो समझ में नहीं आता। हीरोइन लेटी है, हीरो आके पूछ रहा है ये प्यार है या जहर है तेरा चुम्मा, इसमें पूछने की क्या जरूरत है, लेके देख ले। हाँ बच गया तो प्यार, नहीं तो वही। अभी मैं ये नहीं समझ रहा हूँ बेचारी हीरोइन है कि अच्छाधारी नागिन है, कुछ भी कहते कुछ भी लिख देते। मुंबई से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, और दिल्ली से गई पटना, और फिर भी ना मिला सजना, अब तू औरंगाबाद तो आई नहीं। हाँ सारे सजना तो यही में अच्छे, और कोई पसंद ना आए तो चाऊ साहब समझ में, तो इम्तियाज साहब तो इतने बेहतरीन सजना, इम्तियाज साहब से और हमारे ये माशाल्लाह दो दो सजना बैठे, मगर ऐसे जी। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े बड़ी मोहब्बत भैया आपकी।